तो जैसे कि दोस्तों जापान की कार निर्माता कंपनी हायमा भारत में लॉन्च करने वाली अपनी इलेक्ट्रॉनिक E1 कार, कीमत जान के रह जाएंगे हैरान। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जापान की वाहन निर्माता कंपनी हायमा ऑटोमोबाइल ग्रेटर नोएडा में हुए 2020 ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी तीन कारों को शोकेश किया था, जिसमें से पहली कार थी SUV 8S और दूसरी कार थी MPV 7X और तीसरी कार थी इलेक्ट्रॉनिक EV E1। बता दें कि EV E1 इलेक्ट्रिक को जापान में इशोबी EVA 360 के नाम से बेचा जाता है, जो कि वहाँ की बहुत पॉपुलर कार है। अब फाइनली दोस्तों इस इलेक्ट्रिक कार को बहुत ही लंबे समय के बाद अब भारतीय बाजार में जुलाई के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जाना है। दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करें तो हायमा E1 EV की अंदर आपको LED हेडलैम्प्स, डुअल टोन पेंट स्क्रीन और एलॉय व्हील और ब्लैक कैबिन थीम डिज़ाइन के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे सुविधा को शामिल किया गया है। बताना चाहूँगा कि डायमेंशन के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में मौजूद मारुति सुजुकी सिलेरियो व होंडा सेंट्रो जैसी ही लगती है। हायमा भारतीय बाजार में अपने पहली वाहन के रूप में E1 हैचबैक को पेश करेगी, जिसे बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप पर भारतीय बाजार में KCD के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। हायमा E1 में आपको 34 kWh की लिथियम आयरन बैटरी का पैक देखने को मिलने वाला है, जो कि अधिकतम आपको 54 BSP की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। बताना चाहूँगा दोस्तों अगर इस कार के माइलेज की बात करें तो माइलेज सुन के आप हैरान रहने वाले हैं, और क्या पता आपको ये बात झूठ भी मेरी लगे, मगर ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इस कार का माइलेज दोस्तों 45.32 km/L है, जो कि काफ़ी दमदार और पावरफुल है। अब दोस्तों कीमत की बात करें तो जापान की मशहूर कार निर्माता कंपनी हायमा अपनी इलेक्ट्रिक कार E1 हैचबैक को भारतीय बाजार में केवल मात्र 3.20 लाख रुपीस की स्टार्टिंग कीमत पे हम सभी के लिए लॉन्च करने वाली है। भारतीय बाजार में इस कार को दो वेरिएंट पे हम सभी के लिए उतारा जाएगा। अगर एडवांस मॉडल की बात करें तो करीबन 5.40 लाख रुपीस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय बाजार में दोस्तों लंबे समय के बाद इस कार को फाइनली हम सभी के लिए जुलाई के स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर आपको इस कार की अधिक जानकारी लेनी है तो आप हायमा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट करके इसकी पूरी अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी वहाँ पे दोस्तों अगर बुकिंग स्टार्ट होती है तो आप अपने लिए इस कार को बुक भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।